ताजा तरीन सच्ची और प्रमाणिक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें NS Now। नमस्कार, NS Now देख रहे हैं आप। योगी सरकार यूपी के युवाओं को जीत का सबसे बड़ा रिटर्न गिफ्ट देने जा रही है। सरकार ने 100 दिनों में युवाओं को 20,000 सरकारी नौकरियां और 50,000 रोजगार के अवसर देने की घोषणा की है। दूसरी पारी में शपथ लेने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में हैं। उन्होंने अगले 5 साल में यूपी में 5 करोड़ लोगों को स्वरोजगार देने का लक्ष्य तय किया है। उनका संकल्प युवाओं को आगे बढ़ाना और रोजगार देने के संकल्प को तेजी से पूरा करना है। योगी सरकार की रोजगार देने की नीतियों से उत्तर प्रदेश नित्य नए आयाम लिखने के साथ रोजगार सेंटर के रूप में विकसित हो रहा है। युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर देने में सरकार ने पूर्व के कार्यकाल में भी कोई कमी नहीं रखी थी। स्टार्टअप और औद्योगिक इकाइयों को बढ़ावा देकर युवाओं को रोजगार दिए। MSME और ODOP योजनाओं ने युवाओं की प्रतिभा और कौशल को रोजगार में बदलने का कार्य किया। कामगारों और श्रमिकों की स्किल मैपिंग के बाद उनको भी रोजगार दिए गए। अब दूसरी पारी में सरकार ने बिना भेदभाव और भ्रष्टाचार के युवाओं को सरकारी नौकरियों के अवसर देने की योजना को अंतिम रूप दे दिया है। भर्तियों में ईमानदारी और शुचिता को प्राथमिकता पर रखने के निर्देश दिए हैं। युवाओं को रोजगार मिल सके इसके लिए जिला और मंडल स्तर पर स्टार्टअप्स को खोलने के भी निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि पिछले कार्यकाल में योगी सरकार ने 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार, 5 लाख नौकरियां युवाओं को दे चुकी है। इस खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। NS Now पे नए हैं, NS Now को सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट न्यूज अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।